हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एट बजट 24 में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज फिर एक बेस्ट जॉब अपडेट के साथ, तो आज एक अच्छी सी जॉब लेके आया हूं। और अभी हायरिंग हो रही है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बहुत सारी बैंकों में मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं हायरिंग के लिए, बट अभी मेरे पास एक रेफरेंस आया हुआ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो अभी ओपनिंग है, ठीक है। ये ओपनिंग है आपका लिटिगेशन ऑफिसर कलेक्शन डिपार्टमेंट में बेसिकली। और इसका पूरा वेन्यू मैं आपको बताता हूँ, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और सारी चीज़ें। तो अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हायरिंग चल रही है, और किसे CV भेजना है वो भी बता दूंगा बहुत सारी, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं हम A to Z इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अभी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हायरिंग, है ना, लिटिगेशन ऑफिसर कलेक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली। लोकेशन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, वाराणसी, नागपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, 5 लोकेशन के लिए अभी हायरिंग कर रहा है, ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पे, फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है गाइस। एक्सपीरियंस मांगा हुआ है मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस और मैक्सिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन बैंक्स और NBFC सेक्टर, ठीक है। तो 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल मिनिमम रहना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो डिग्री मांगी हुई है, ठीक है, वो है आपकी लॉ ग्रेजुएट। तो अदर डिग्री वाले तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, जिन्होंने लॉ किया हुआ है, BA LLB किया हुआ है, LLB किया हुआ है, ठीक है, और LLM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने लॉ डिग्री की हुई LLB LLM वगैरह वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लिटिगेशन ऑफिसर के लिए कलेक्शन डिपार्टमेंट में। जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपको कोर्ट केस अटैम्प्ट करने हैं, जैसे कोई भी कस्टमर फाइल करता है ना बैंक के खिलाफ केस फाइल करता है, या फिर बैंक किसी पे केस फाइल करती है कलेक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, जब रिकवरी के लिए टीम जाती है तो थोड़ा कस्टमर से नोकझोंक हो जाती है, ठीक है, लोन के लिए, तो जो भी केस फाइल होते हैं कोर्ट में उन केस पे काम करना है, केस को क्लियर करना है, कोर्ट को अटेम्प करना है आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी FIR वगैरह कंज्यूमर कोर्ट में होती है कस्टमर के थ्रू, ठीक है ना, या फिर बैंक किसी कस्टमर पे करता है कि रिकवरी नहीं आ पाई या कोई बात हो गई, तो वो FIR को सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैनेज करना है डाटाबेस को, MIS रिपोर्ट तैयार करनी है खुद से, किस कस्टमर का कितना केस कहाँ पहुँचा, कितना केस सॉल्व हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ठीक है। और जो MIS रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे हेड ऑफिस में आपको सबमिट करनी रहेगी, मंथली वाइज आपको सबमिट करनी है। तो ये 7-8 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ बहुत सारे, वैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैं ये आपको भेज दूंगा। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा दूँ, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये है आपका, है ना, लिटिगेशन ऑफिसर, और ये कलेक्शन डिपार्टमेंट में। लोकेशन वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर देखेंगे तो आप लोकेशन दिया हुआ है। तो ये इतनी सारी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गाइस, ठीक है। तो अब रिज्यूमे में अपना CV किसको भेजना है, ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेल ID आप नोट कर लीजिए, ठीक है, pratiksha.raghuvanshi@utkarsh.bank, ठीक है। मैम को आपको रिज्यूमे भेजना है, CV भेजना है, जिन्होंने लॉ डिग्री की हुई है भाई उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। और फिर लॉ डिग्री वालों के लिए CTC बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर मेरे अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कम से कम इन हैंड सैलरी आपको 21,000 के आसपास रहेगी, जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, जो मास्टर किया हुआ है, सॉरी सैलरी आपकी 21 नहीं, सैलरी आपकी 28,000 से लेके, ठीक है, 35,000 के बीच में रहेगी स्टार्टिंग सैलरी, बिकॉज 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी एड है। तो 28,000 से लेके 35,000 के बीच में रहेगी आपकी सैलरी, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन योर डिग्री कि आप LLM करके 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर LLB करके 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और रिज्यूमे मैंने आपको बता दिया, pratiksha.raghuvanshi@utkarsh.bank इस पर भेजना है, ठीक है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है उत्कर्ष, ठीक है, SFBL डज नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ फी फॉर कैंडिडेट, मतलब उत्कर्ष फाइनेंस बैंक किसी भी तरीके का कोई रुपए चार्ज नहीं करता है जॉब के लिए, डायरेक्ट ओपनिंग वैकेंसी है। तो यार मेरे हिसाब से तो LLB जिन्होंने की, LLM किया हुआ है, लॉ की जो भी डिग्री की हुई है,
उनके लिए तो यार बेस्ट है, उनके लिए अच्छी जॉब मिल गई है यहाँ पे, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा वेन्यू देखेंगे आप एक बार, और बहुत अच्छी बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का अच्छा मतलब ज़्यादा टारगेट प्रेशर नहीं रहता है, और अच्छा सैलरी भी देते हैं और अच्छा काम भी रहता है। अपना करियर यहाँ से स्टार्ट करके बड़ी बैंक में एंटर कीजिएगा, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच यार, आज का जॉब अपडेट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए था, कलेक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, लिटिगेशन ऑफिसर, ठीक है। तो मिलेंगे आपको फिर, थैंक यू सो मच, आप सब अपना ध्यान रखिए, और ऐसी जॉब अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा।